हेलो दोस्तों, ये देखिए आज मेरे पास एक टीवी है सोनी का। इसका मॉडल नंबर है KLV40W672E। ये अगस्त 2017 का मेड है, मेड इन मलेशिया, 2017 में बना था ये टीवी। इसमें एक नया किस्म का फॉल्ट था दोस्तों, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये पैनल पर आधारित है ये फॉल्ट। इसका पैनल नंबर मैं आप लोगों को दिखलाना चाह रहा हूँ। पैनल आईडी कहाँ गई? हाँ, देखिए आप लोग, इसका पैनल आईडी मुझे मिल नहीं रहा है। मैं पैनल में ही दिखा रहा हूँ, ये देखिए। इसका सी के बी लाइन का प्रॉब्लम था दोस्तों। ये देखें आप लोग, इसका पैनल नंबर, हाँ ये देखिए। ये इसका पैनल आईडी नहीं, पैनल आईडी तो यही नहीं है। पैनल नंबर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें दोस्तों, S40HFW1ANA4S4LV0.3। ये इसका पैनल आईडी है दोस्तों। तो इसमें प्रॉब्लम था दोस्तों, ब्लैकआउट था। मैंने ब्लैकआउट पर बहुत सारा वीडियो बनाया है, पर ये थोड़े नए किस्म का था और इसमें थोड़ा दूसरे किस्म का काम करना पड़ा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे नए सब्सक्राइबर को इसका फ़ायदा मिल सके। ये देखें दोस्तों, एक तो ब्रश दो, ये सी के बी लाइन दोनों ही तरफ, एक तो थिनर था, दोनों ही तरफ सी के बी लाइन शॉर्ट था, थिनर, जिसके वजह से देखिए मैंने पहले फर्स्ट, हाँ फुल ऑर्डर, पहले इधर का दो लाइन काटा, सी के वी लाइन शॉर्ट नहीं मिला। फिर मैंने इधर का छोड़ के इधर का सी के वी लाइन काटा और पीएफ एडजस्टमेंट किया, तो मुझे यहाँ से ये एक सी के वी लाइन, यानी कि ये देख रहे होंगे आप लोग, एक टू ढाल, ये आप लोग देख रहे होंगे सी के वी वन राइट का 8 नहीं, एम बी फोटो आओ। ये देखिए मैं आप लोगों को सफा करके दिखा रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ से ये सारे लाइन CKV1, CKV2, CKV3, CKV4 और CKV V1, CKV V2, CKV V3, CKV V4, ये 8 लाइन का काट कर कटआउट करने के बाद में जाके मेरा पिक्चर बढ़िया हुआ है दोस्तों। तो मैं इसे ज़रा सुखा के फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा पिक्चर कैसा हो रहा है। तो देखिए मैं इसे सुखाने के बाद में, क्योंकि थोड़ा पिक्चर गीला हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, तो मैं सुखाने के बाद में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से 8 लाइन, ये 8 लाइट जो मैंने काटा है और बाकी 4 को मैंने पीछे जोड़ दिया है ना। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका पिक्चर कैसा हो रहा है दोस्तों। कोई भी लाइंस नहीं है, कोई दाग नहीं है, एक पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है। एक तो रिमोट ना मुझे होम बोतम टा चाप, नील रंगेर बोतम टा, এই দিকে করে এই নীলটা বড় নীলটা হোম এই তো এর মধ্যে লাগানো আছে। হ্যাঁ, ও দিয়ে দিচ্ছি। मैं आपको उसका पिक्चर भी दिखलाऊंगा। होम एखे सेंसर है, दाड़ा देख, पूरी तरह से 100% क्लियर है।
मैं साउंड नहीं सुना सकता क्योंकि मुझे बार बार कॉपीराइट का क्लेम आ जा रहा है, तो मैं साउंड नहीं दिखाऊंगा पर पिक्चर दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखें आप लोग, यूट्यूब का अकाउंट कोई भी लाइंस नहीं है, साउंड सुनाने से कॉपीराइट, मुझे यूट्यूब बार बार कॉपीराइट क्लेम दे रहा है, तो मैं साउंड नहीं दिखा रहा हूँ, पर मेरा पिक्चर ठीक है दोस्तों। और आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर सीकेबी लाइन लेफ्ट या राइट का हो तो उसमें कम से कम 8 लाइन आपको कटआउट करना है, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। और मेरा वीडियो देखते रहें, नए श्रोता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो मैं दिखलाना चाह रहा था दोस्तों कि मैं ये इस टीवी के बारे में जो वीडियो था, तो ये मेरे पास एक सर आए हैं, ये आर्मी वाले हैं, तो इनका ये वीडियो, इनका ये टीवी था दोस्तों जिसे मैंने अभी रिपेयर किया, तो सर बहुत दूर से आए हैं इसलिए मैंने इन्हें बैठा के इनका रिपेयर करके संग संग इनको दे रहा हूँ दोस्तों। और अभी मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखें आप लोग कोलकाता।